ध्यान लगाने से पहले राजघाट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल ने बापू को किया नमन। जी हां, आपको विषय की होली के मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ध्यान और मेडिटेशन करेंगे। ध्यान लगाने से पहले वह आज दिल्ली के राजघाट पहुंचे। बताया चले कि मंगलवार को देश के हालात चिंताजनक बताते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने होली पर ध्यान लगाने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के राजघाट पर पहुंचकर बापू को नमन किया। उधर अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि देश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। स्कूल अस्पताल बनाने वालों को प्रधानमंत्री जी जेल में डाल रहे और देश को लूटने वालों को प्रधानमंत्री जी गले लगा रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूलों और अस्पतालों को लेकर अच्छा काम करने वालों पर झूठे केस लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया है, देश को लूटने वाले शख्स को गले लगा लिया। और ये वही एलजी है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये वही एलजी है जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एमसीडी में मुकेश गोयल को इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अब बताओ, तुम्हारे खिलाफ तो कई मामलों में एफआईआर दर्ज है, तो तुम एलजी कैसे रह सकते हो दिल्ली के, जब एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता एफआईआर होने के मामले में। आपको तो न्यायालय ने सम्मन कर लिया, आपको तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्यों बैठे हुए हैं एलजी के पद पे और झूठ बोल रहे हैं न्यायालय से कि आप गवर्नर से बड़े हैं? अरे भैया, आप पिछल्लू गवर्नर हैं, आप गवर्नर से बड़े हैं कह रहे हैं, तो आप वरिष्ठ उपराष्ट्रपति हैं भारत के, कौन सा पद है भाई आपका? तो ये सवाल है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करूंगा कि इस पूरे मामले का संज्ञान लें और उनको निर्देश जारी करें कि 9 मार्च को न्यायालय की प्रक्रिया में विनय कुमार सक्सेना एलजी हाजिर हों, शामिल हों, इनके खिलाफ कई धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।